सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मीन्स टू वे सेट एसोसिएटिव में उससे कम फोर वे सेट एसोसिएटिव में कन्फ्लिक्ट मीन्स का इफेक्ट और कम होता जाता है डायरेक्ट मैप कैश को हम कह सकते हैं कि इट इज सेट एसोसिएटिव कैश जिसमें सेट साइज कितनी है वन हर सेट में एग्जैक्टली exactly एक लाइन होती है तो डायरेक्ट मैप में सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होती है टू वे सेट एसोसिएटिव में एक सेट में दो लाइन होती है तो उसमें कन्फ्लिक्ट मिस कम हो गई अगर हमारी एट लाइन वाली कैश टू वे सेट एसोसिएटिव है तो हर सेट में दो लाइन है अब इसी कैश में कन्फ्लिक्ट मिस और कम करना है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो फोर वे सेट एसोसिएटिव फोर वे सेट एसोसिएटिव तो फर्स्ट फोर लाइन फर्स्ट सेट में नेक्स्ट फोर लाइन नेक्स्ट सेट में कन्फ्लिक्ट मिस और कम होगी जब ये टू वे सेट एसोसिएटिव थी तो फोर सेट्स थे इसी कैश को हमने फोर वे सेट एसोसिएटिव कर दिया तो देर आर टू सेट्स सेट जीरो एंड सेट वन जब इसी कैश में अगर हम ऐट वे सेट एसोसिएटिव कर देंगे तो ऐट वे का क्यों करेंगे तो कन्फ्लिक मिस का इफेक्ट और कम होगा तो अगर हम इस कैश को एट वे सेट एसोसिएटिव कर देंगे तो इस कैश में केवल क्या होगा एक ही सेट होगा और अ एस सेट एसोसिएटिव कैश विथ ओनली वन सेट इस फुल्ली एसोसिएटिव कैश ऐसा सेट एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल एक सेट है वो कौन सा कैश ऑर्गेनाइजेशन है फुल्ली एसोसिएटिव तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें अबाउट फुल्ली एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अगर हमारा टू वे सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन है तो फर्स्ट सेट सेट नंबर जीरो अगर हम बाइनरी में लिखे तो सेट नंबर दो बिट का होगा ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन कोई डेटा अगर हमारा आता है सपोज ये ऑफ सेट है ये सेट नंबर है मेमोरी लोकेशन टू कहाँ मैप होगा तो ऑफ सेट जीरो सेट नंबर जीरो वन तो मेमोरी लोकेशन टू का डेटा सेट नंबर वन पे आएगा अब सेट नंबर वन पे दो लाइने दो में से किस में तो किसी भी लाइन में आ जाएगा हम सेट में मैप करते हैं लाइन में नहीं डायरेक्ट मैप में हमको सीधे क्या मिलता है लाइन नंबर कि डेटा इसी लाइन में जाके मैप हो सेट एसोसिएटिव में लाइन नंबर नहीं सेट नंबर मिलता है कि उस सेट में जाके सेव हो उस सेट की किस लाइन में इसके लिए हम कोई मैपिंग फंक्शन यूज नहीं करते हैं जो लाइन हमको एम मिल गई वहाँ सेव कर देते हैं ठीक है तो टू वे में सेट नंबर मिल रहा है उस सेट में कोई सी भी लाइन में स्टोर कर सकते हैं फोर वे में दो सेट है एक सेट नंबर एक वन और एक ज़ीरो हम एड्रेस को कैसे डिवाइड करते हैं ऑफ सेट सेट और बाकी टैग अगर सेट नंबर ज़ीरो आ रहा है तो ये डेटा सेट नंबर जीरो में सेव होगा सेट नंबर जीरो की कौन सी लाइन में तो किसी भी लाइन में सेव हो जाएगा तो विद इन द सेट कोई मैपिंग नहीं होती सेट नंबर तक मैपिंग होती है कि इसी सेट में जाकर सेव हो लेकिन सेट की किस लाइन में सेव हो उसके लिए कोई मैपिंग फंक्शन हम सेट एसोसिएटिव में यूज नहीं करते कोई मैपिंग नहीं होती है। अब अगर हमने पूरा एक ही सेट बना दिया और पूरा एक ही सेट बना दिया तो इसको क्या कहते हैं फुल्ली एसोसिएटिव तो अब इस सेट में डेटा क्योंकि सेट के अंदर लाइन में कहाँ सेव करना ये नहीं बताते हम सिर्फ ये बताते कि इस सेट में सेव हो तो फुल्ली एसोसिएटिव में डेटा क्योंकि एक ही सेट है विद इन द सेट डेटा किसी भी लाइन में सेव हो सकता है तो फुल्ली एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैपिंग फंक्शन नहीं होता है आपका डेटा किसी भी लाइन पे जाके सेव हो, हो सकता है तो डायरेक्ट मैप में या सेट एसोसिएटिव में हमने मैन मेमोरी के एड्रेस को तीन पार्ट में बताया था टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट ऑफसेट बता रहा लाइन की कौन सी बाइट इंडेक्स क्या बताता तो डायरेक्ट मैप में इंडेक्स बताता है इनमें से कौन सी लाइन सेट एसोसिएटिव में इंडेक्स लाइन नहीं बताता लेकिन क्या बताता है सेट बताता है वो फुल्ली एसोसिएटिव में इंडेक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि डेटा किसी भी लाइन पे जाकर सेव हो, हो सकता है तो फुल्ली एसोसिएटिव कैश में मेन मेमोरी एड्रेस डिवाइड्स ओनली इन टू पार्ट ऑफसेट एंड टैग देर इज नो मैपिंग फंक्शन तब हमें क्वेश्चन फुल्ली एसोसिएटिव कैश पे करते हैं टू फाइंड टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट तो क्वेश्चन है कंसीडर ए फोर के भी फुल्ली एसोसिएटिव कैश विथ लाइन साइज थर्टी टू बाइट इफ फिजिकल एड्रेस इज ट्वेंटी बिट लॉन्ग हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट तो सबसे पहले तो ऑफसेट के लिए कितना ऑफसेट के लिए कितनी तो लाइन साइज हमारी थर्टी टू बाइट्स है थर्टी टू बाइट्स टू टू पावर फाइव बाइट्स तो फाइव बिट का क्या हो जाएगा हमारा ऑफसेट इंडेक्स के लिए कितनी बिट्स तो फुल्ली एसोसिएटिव में इंडेक्स के लिए जीरो बिट्स इंडेक्सिंग का कोई रोल ही नहीं होता है तो फाइव बिट्स फॉर ऑफसेट इंडेक्स के लिए जीरो बिट और फिजिकल एड्रेस में से ऑफसेट के लिए जितनी बिट्स बची हटी फिजिकल एड्रेस में से ऑफसेट की बिट को सब कर देंगे तो वी विल गेट बिट फॉर इंडेक्स सॉरी टैग तो ट्वेंटी माइनस फाइव दैट इज़ फिफ्टीन बिट्स तो फाइव बिट्स फॉर ऑफसेट ज़ीरो बिट फॉर इंडेक्स एंड फिफ्टीन बिट्स फॉर टैग तो अभी तक हमने डायरेक्ट मैप सेट एसोसिएटिव और फुल्ली एसोसिएटिव ये दिन कैश ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं अब हम इन पर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं मिक्सड है ना तीनों ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो तो पहले उस थ्योरी को रिवाइज़ करिए फिर इन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करिएगा न्यूमेरिकल को अप्रोच करने की आपकी प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल पढ़ा पॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व सॉल्व हो गया है तो, तो भी आप सोल्यूशन एक बार चेक करिएगा कि आपने जो सॉल्व किया सही है या कोई और टेक्निक तो नहीं है उसको सॉल्व करने की और कुछ न्यूमेरिकल्स में हम नए कंसेप्ट भी देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी थ्योरी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ रिवाइज दैट थ्योरी देन ट्राई फॉर न्यूमेरिकल्स तो वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं कि कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैश विथ एट कैश ब्लॉक्स एंड मैन मेमोरी विथ वन ट्वेंटी एट ब्लॉक्स द मैन मेमोरी ब्लॉक विल बी प्रेजेंट इन द केश तो आपसे पूछा वॉट मैन मेमोरी ब्लॉकेंट इन द केश आफ्टर फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस आपको क्या मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस गिवन है जीरो फाइव थ्री नाइन so, सेवन जीरो तो आपसे पूछा कि इस सिक्वेंस के बाद कौन कौन से मेमोरी ब्लॉक कैश में होंगे तो so, जब भी क्वेश्चन हो इस तरह का तो पहले आप देखेंगे कि ये मेमोरी एड्रेस गिवन है या मेमोरी ब्लॉक एड्रेस गिवन है तो यहाँ मेमोरी एड्रेस गिवन नहीं यहाँ पे केवल कौन सा एड्रेस गिवन है मेमोरी ब्लॉक एड्रेस है ना मेमोरी एड्रेस गिवन होता तो उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड करते टैग इंडेक्स और ऑफसेट फिर इंडेक्स की बीट बताती कि ये मेमोरी ब्लॉक कैश के किस ब्लॉक में मैप होगा लेकिन यहाँ आपको मेमोरी ब्लॉक एड्रेस गिवन है तो कौन सा मेमोरी ब्लॉक कौन से कैश ब्लॉक में मैप होगा तो इनिशियल जब थ्योरी हमने डायरेक्ट मैप की डिस्कस की थी तो हमने क्या देखा था कि कैश ब्लॉक नंबर इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मेमोरी ब्लॉक नंबर और हमारी कैश में हमको कितने ब्लॉक्स दे रखे एट ब्लॉक्स तो रिमाइंडर हम किससे लेंगे एट से और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग कैश ब्लॉक में हम अपना डेटा सेव करेंगे तो सबसे पहले ज़ीरो की रिक्वेस्ट आई ज़ीरो मोड एट कितना होगा ज़ीरो तो मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो कैश ब्लॉक ज़ीरो में आ गया ठीक है डायरेक्ट मैप पे तो एक लाइन में एक ही है ना डायरेक्ट मैप पे तो डायरेक्ट हमको ब्लॉक नंबर मिलता है उस ब्लॉक में हम डेटा को सेव करते हैं फाइव को एट से रिमाइंडर लेंगे कितना आएगा फाइव तो मेमोरी ब्लॉक फाइव कैश ब्लॉक फ़ाइव में जाके सेव हो गया फाइव के बाद थ्री का एट से रिमाइंडर लेंगे तो थ्री एट्स 3 थ्री इज नॉट डिविजिबल ऑफ एट तो मेमोरी ब्लॉक थ्री कैच ब्लॉक थ्री में मैप हो गया अब नेक्स्ट है मेमोरी ब्लॉक नाइन नाइन कहाँ जाएगा तो नाइन मॉड एट इज वन तो मेमोरी ब्लॉक नाइन कैच ब्लॉक वन में मैप हुआ फिर सेवन तो सेवन का एट से रिमाइंडर लेने पे सेवन एट तो मेमोरी ब्लॉक सेवन कैच ब्लॉक सेवन में मैप हुआ फिर अगेन किसकी रिक्वेस्ट आ गई ज़ीरो तो ज़ीरो एट जीरो कहाँ हुआ ज़ीरो में तो so ज़ीरो में ऑलरेडी ज़ीरो है ही फिर से नहीं आएगा अब ज़ीरो के बाद क्या आया सिक्सटीन तो सिक्सटीन एट कितना ज़ीरो तो मेमोरी ब्लॉक सिक्सटीन कैश ब्लॉक ज़ीरो में मैप होगा कैश ब्लॉक ज़ीरो में ज़ीरो है तो हम ज़ीरो को रिप्लेस करके मेमोरी ब्लॉक सिक्सटीन को लोड करेंगे फिर नेक्स्ट क्या है फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव मॉड एट फिफ्टी फाइव को एट से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है सेवन तो फिफ्टी फाइव कैश ब्लॉक सेवन पे जाएगा सेवन पे ऑलरेडी सेवन था तो सेवन को रिप्लेस करके फिफ्टी फाइव अब आपसे पूछा कि इस रिक्वेस्ट के एंड में कौन कौन से ब्लॉक्स कैश में होंगे तो कौन कौन से हैं थ्री फाइव नाइन सिक्सटीन एंड फिफ्टी फाइव थ्री ज़ीरो नहीं है तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए थ्री फाइव और सेवन नहीं है कौन सा है नाइन है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी थ्री फाइव नाइन सिक्सटीन एंड फिफ्टी फाइव तो सी ऑप्शन इज करेक्ट तो इस क्वेश्चन में बस ये इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि मेमोरी ब्लॉक एड्रेस गिवन है या मेमोरी एड्रेस अगर ये मेमोरी एड्रेस होते हैं तो आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर टैग इंडेक्स ऑफसेट निकालते फिर इंडेक्स बताता कि वो कहाँ पे मैप हो रहे हैं तो जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने डायरेक्ट मैप में डिस्कस किया सिमिलर क्वेश्चन हम डिस्कस करें विथ सेट एसोसिएटिव कैश तो कंसिडर ए टू वे सेट एसोसिएटिव कैश विथ एट ब्लॉक्स एंड ए मेन मेमोरी विथ वन टी एट ब्लॉक वॉट मेमोरी ब्लॉक विल बी प्रेजेंट इन द कैश आफ्टर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस इफ़ एल आर यू पॉलिसी एल आर यू रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी सेट एसोसिएटिव में डिस्कस नहीं किए यहाँ मेमोरी ब्लॉक एड्रेस गिवन है मेमोरी एड्रेस नहीं गिवन है व्हाट इज गिवन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस तो कौन सा मेमोरी एड्रेस कौन सा मेमोरी ब्लॉक एड्रेस किस सेट में मैप होगा तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं कि टू वे सेट एसोसिएटिव है और एक लॉक लाइन से तो कितने सेट्स होंगे तो नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं तो नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस बाय सेट साइज नंबर ऑफ लाइंस एट है और सेट साइज मतलब एक सेट में दो लाइन है तो एट बाई दैट इज फोर तो हमारी कैश में फोर सेट्स हैं और एट लाइंस है फोर सेट्स और पर सेट देर आर टू लाइन है ना? तो ये हमारी कैश हो गई पर सेट टू लाइन्स फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन सेट ज़ीरो की दो लाइन या सेट वन की दो लाइन सेट टू की और सेट थ्री की तो एट सेट्स सॉरी फोर सेट्स एंड एट लाइन्स डायरेक्ट मैप में मैपिंग कैसे होती तो अगर हमारे मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो वन टू ये मेमोरी ब्लॉक है मेमोरी एड्रेस नहीं मेमोरी ब्लॉक से ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से रिक्वेस्ट आती है तो हमने क्या पढ़ा था कि सिक्वेंशियल डेटा पहले सेट ज़ीरो में आएगा फिर सेट वन में आता है फिर सेट टू में आता है तो मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो सेट ज़ीरो में आ गया सेट जीरो की एक लाइन में आ गया वन ऑफ द लाइन उसमें दो लाइन से फिर अगला ब्लॉक सेट वन में आएगा उसके बाद वाला ब्लॉक सेट टू में आएगा उसके बाद वाला सेट थ्री में आ गया अब जब सभी ब्लॉक एक एक करके एक सेट में आ गए जब सारे सेट में एक एक ब्लॉक आ गया तो मैपिंग वापस कहाँ से स्टार्ट होती फ्रॉम बिगनिंग अब फोर यहाँ आएगा फाइव यहाँ सिक्स यहाँ सेवन यहाँ एट वापस कहाँ मैप होगा सेट ज़ीरो में नाइन सेट वन है ना तो यहाँ ज़ीरो आया फोर आया एट भी इसी सेट में आएगा नाइन सेट वन में आएगा टेन सेट टू में आएगा इलेवन सेट थ्री में ट्वेल्व फिर सेट ज़ीरो में आएगा एंड सो ऑन तो सेट ज़ीरो में कौन सा डेटा आ रहा है हमारे फोर सेट्स हैं तो इनको हम फोर से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो सेट ज़ीरो में वो सारा डेटा आ रहा जिनको फोर से रिमाइंडर लेने पे रिमाइंडर कितना हो जीरो सेट वन में वो सारा डेटा आ रहा जिनका फोर से रिमाइंडर वन सेट टू में वो सारे मेमोरी ब्लॉक्स आ रहे जिनका फोर से रिमाइंडर टू और सेट थ्री में वो सारे आ रहे जिनका फोर से रिमाइंडर थ्री तो बेसिकली सेट एसोसिएटिव में कौन सा मेमोरी ब्लॉक किस सेट में मैप होगा तो कैश सेट नंबर यहाँ ब्लॉक नंबर नहीं यहाँ क्या मिलता है सेट नंबर क्ल टू मेमोरी ब्लॉक एड्रेस और किससे रिमाइंडर लिया फोर से ही क्यों लिया हमने न तो, तो अगर मेमोरी ब्लॉक एड्रेस दिया है तो सेट एसोसिएटिव में वो कौन से सेट में मेप होगा तो इसके लिए हमारे पास सेट नंबर इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक एड्रेस मॉड नंबर ऑफ सेट्स इन कैश हमारी कैश में फोर सेट्स है यहाँ पे इसलिए हम किससे रिमाइंडर लेंगे फोर से रिमाइंडर लेंगे तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या होगा मेमोरी ब्लॉक एड्रेस मॉड फोर अब इनिशियली हमारी कैश एम होती है ना कोई भी क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जब तक नहीं भी अज्यूम कि कैश इज एम तो कैश एम है चलिए अब सबसे पहले जीरो की रिक्वेस्ट आई तो ज़ीरो मोट फोर तो मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो ज़ीरो क्या होगा सेट नंबर तो मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो सेट ज़ीरो पे मैप हो गया ठीक है सेट जीरो में दो है दो में से किसी एक पे मैप हो गया तो हमने फर्स्ट पे मैप कर दिया फिर फाइव कहाँ मैप होगा तो फाइव मोट फोर कितना आएगा वन तो फाइव सेट वन की एक लाइन पे चला गया फिर थ्री थ्री का फोर से रिमाइंडर लिया कितना आएगा थ्री एक्ट तो थ्री सेट थ्री में चला गया नाइन कहाँ चला जाएगा तो नाइन मॉट फोर कितना आएगा वन सेट वन पे फाइव है लेकिन सेट वन की एक लाइन एम है उस एक लाइन में मेमोरी ब्लॉक नाइन आ जाएगा फिर सेवन सेवन मॉट फोर कितना होता है थ्री तो सेवन विल मैप टू सेट थ्री सेट थ्री की एक लाइन में ब्लॉक थ्री प्रेजेंट है तो नेक्स्ट लाइन में ब्लॉक सेवन आ जाएगा देन ज़ीरो तो ज़ीरो मॉट फोर ज़ीरो ज़ीरो ऑलरेडी है कोई प्रॉब्लम नहीं फिर सिक्सटीन सिक्सटीन का फोर से रिमाइंडर लेंगे तो ज़ीरो तो सिक्सटीन कहाँ आ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक में सेट ज़ीरो के फर्स्ट ब्लॉक में जीरो नेक्स्ट में सिक्सटीन फिर क्या आया फिफ्टी फिफ्टी फाइव का फोर से रिमाइंडर लेते हैं तो इट इज़ थ्री ओके तो फिफ्टी फाइव विल मेप टू सेट नंबर थ्री सेट नंबर थ्री की दोनों लाइन पे कोई ना कोई ब्लॉक है तो आप किसको रिप्लेस करोगे तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि एल आर यू रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज़ यूज तो एल आर यू में थ्री और सेवन में लीस्ट रिसेंटली यूज़ कौन है तो जो पहले यूज़ में आया थ्री पहले यूज़ किया सेवन बाद में यूज़ किया तो रिसेंटली यूज्ड सेवन है तो लीज रिसेंटली यूज़ कौन है थ्री तो थ्री के प्लेस पे क्या आ जाएगा फिफ्टी फाइव तो ये हमारा सीक्वेंस एंड हो गया और एंड में क्या क्या प्रेजेंट है तो ज़ीरो ज़ीरो इन तीनों ऑप्शन में है और थ्री प्रेजेंट नहीं है तो थ्री वाले सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो ज़ीरो फाइव सेवन नाइन सिक्सटीन एंड फिफ्टी फाइव कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट तो अब हम एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एसोसिएटिव में करके देखते हैं कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव कैश विथ एट ब्लॉक्स तो ये हमारी कैश है विथ एट ब्लॉक्स एंड ए मेन मेमोरी विथ वन ट्वेंटी एट ब्लॉक्स वॉट मेमोरी ब्लॉक विल बी प्रेजेंट इन द कैश आफ्टर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस इफ एल आर यू पॉिसी इज़ यूज यहाँ भी किसका रेफरेंस है मेमोरी ब्लॉक्स का रेफरेंस है और वन मेमोरी ब्लॉक विल मैप टू वन कैश ब्लॉक लेकिन फुल्ली एसोसिएटिव में कोई मैपिंग फंक्शन नहीं होता कोई भी मेमोरी ब्लॉक किसी भी कैश ब्लॉक में सेव या लोड हो सकता है तो इस तरह के रिक्वेस्ट में क्या होता है तो पहले ब्लॉक सिक्वेंशली लोड होते जाते हैं और जब कैश फुल हो जाती है और नए ब्लॉक की रिक्वेस्ट आती है तो रिप्लेसमेंट के लिए हम एल आर यू पॉलिसी यूज़ करते हैं तो यहाँ ये इशू नहीं है कि मैपिंग क्या मैपिंग तो है ही नहीं यहाँ इंपॉर्टेंट है एल आर यू आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो एल आर यू आप करेक्टली अप्लाई कर सको इसके लिए आप एक क्यू मेंटेन करो तो आपको एल आर यू थोड़ा इजी हो जाएगा और उस क्यू में जिन जिन की रिक्वेस्ट आ रही है उनको लिखते जाएंगे तो सबसे पहले मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो इज रिक्वेस्टेड तो ज़ीरो को कैश के ज़ीरो ब्लॉक में लोड किया और क्यू में ऐड कर दिया फिर फाइव इज़ तो जीरो हो गया फिर फाइव इज़ रिक्वेस्ट तो फाइव को नेक्स्ट कैश ब्लॉक में आपने लोड कर दिया फिर थ्री की रिक्वेस्ट आई थ्री को नेक्स्ट ब्लॉक में लोड कर दिया फिर नाइन की रिक्वेस्ट आई नाइन को नेक्स्ट कैश ब्लॉक में लोड किया और नाइन को क्यू में भी ऐड कर दिया फिर सेवन की रिक्वेस्ट आई सेवन को कैश ब्लॉक फोर अलोकेट हुआ सेवन क्यू में भी आ गया अब ज़ीरो की रिक्वेस्ट आई ज़ीरो ऑलरेडी कैश में है तो फिर से कैश में लोड करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़ीरो रिसेंटली यूज़ हो गया है तो इसको कुछ नहीं करना जहाँ पे क्यू में वहाँ से हटा के जहाँ कहीं भी क्यू में हो वहाँ से हटा के क्यू के एंड में कर देंगे तो इससे होगा क्या क्यू के बिगनिंग में कौन से ब्लॉक्स आ जाएंगे जो लीस रिसेंटली यूज है तो ज़ीरो ऑलरेडी था फिर से लोड नहीं हुआ लेकिन ज़ीरो क्योंकि एंड में चला गया अब ज़ीरो के बाद सिक्सटीन की रिक्वेस्ट आई सिक्सटीन को कैश ब्लॉक फाइव अलोकेट हुआ और सिक्सटीन यहाँ आ गया सिक्सटीन के बाद फिफ्टी फाइव की रिक्वेस्ट आई फिफ्टी फाइव को कैश ब्लॉक सिक्स अलोकेट हुआ और फिफ्टी फाइव यहाँ आ गया फिर एट की रिक्वेस्ट आई एट को कैश ब्लॉक सेवन अलोकेट हुआ एट यहाँ आ गया अब ट्वेल्व की सॉरी एट के बाद अब किसकी रिक्वेस्ट आई फिफ्टी नाइन अब कैश फुल हो चुकी है तो फिफ्टी नाइन को कहाँ लोड करें तो रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एल आर यू और एल आर क्यू के फ्रंट में कौन है फाइव तो फाइव के प्लेस पे क्या आ गया फिफ्टी नाइन Okay. फिर 59 के बाद किसकी रिक्वेस्ट आई 12, 12 भी कैश में नहीं है तो 12 को लाना होगा 12 को लाने के लिए किसको हटाना है तो क्यू के फ्रंट में कौन है थ्री तो थ्री गया और इन प्लेस ऑफ थ्री क्या आ गया ट्वेल्व आ गया फिर किसकी रिक्वेस्ट आई सेवन सेवन क्यू में ऑलरेडी है तो आप क्या करोगे सेवन को क्यू के एंड में कर दोगे सेवन हो गया और फाइनली ट्वेंटी टू की रिक्वेस्ट आई तो क्यू के फ्रंट में कौन है नाइन तो नाइन के प्लेस पे कौन आ गया ट्वेंटी टू तो अब एंड में कौन कौन से प्रेजेंट है ज़ीरो सभी ऑप्शन में है फिर ज़ीरो के बाद फाइव थ्री नहीं है तो फाइव थ्री वाले जिसमें भी फाइव या थ्री है यहाँ फाइव है यहाँ थ्री है या फाइव थ्री दोनों तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कौन सा ऑप्शन बचा ए ज़ीरो है फिर सेवन है एट है ट्वेल्थ सिक्सटीन ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी नाइन तो करेक्ट आंसर इज ए वी सीन थ्री डिफरेंट कैश ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट में सेट एसोसिएटिव एंड फुल्ली एसोसिएटिव डायरेक्ट मैप कैश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कन्फ्लिक्ट मिस कन्फ्लिक्ट मिस के केस में ये कैश फेल हो जाती है फिर क्या आया सेट एसोसिएटिव सेट एसोसिएटिव में कन्फ्लिक्ट मिस कम होती है और हमने क्या पढ़ा कि सेट साइड बढ़ाने पे टू वे से कम कन्फ्लिक्ट मिस फोर वे में फोर से कम एट में एट से कम सिक्सटीन में तो जैसे जैसे एसोसिएटिविटी बढ़ाते हैं कन्फ्लिक्ट मिस कम हो जाती है और फुल्ली एसोसिएटिव कैश में देर एग्जिस्ट नो कन्फ्लिक मिस क्यों नहीं होती मिस तो फुल्ली एसोसिएटिव में कन्फ्लिक मिस कन्फ्लिक मिस कब होती है जैसे डायरेक्ट मैप में हमने देखा था कि मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो कैश ब्लॉक ज़ीरो पे मैप हो रहा है एट भी वहीं पे मैप हो रहा है और अगर इफ़ आवर प्रोग्राम रिक्वेस्ट फॉर ज़ीरोट 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 तो ज़ीरो यहाँ आएगा फिर एट की रिक्वेस्ट आई तो जीरो विल बी रिप्लेस बाय एट फिर जीरो की रिक्वेस्ट आई तो एट विल बी रिप्लेस बाय ज़ीरो दोनों एक दूसरे को मेमोरी में क्या करते रहेंगे रिप्लेस करते रहेंगे और इस यही क्या है कन्फ्लिक्ट मिस तो कन्फ्लिक्ट मिस हो क्यों हो रही है क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर मैप हो रहे हैं मैपिंग का प्लेस सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं फुल्ली एसोसिएटिव में कोई मैपिंग का कंसेप्ट नहीं कोई भी ब्लॉक कहीं भी जाके सेव हो सकता है तो अगर आपका प्रोग्राम ज़ीरो एट जीरो ऐट की रिक्वेस्ट कर रहा है तो ज़ीरो अगर कैश के फुल्ली एसोसिएटिव कैश के फर्स्ट ब्लॉक में गया तो ये जीरो को कभी रिप्लेस ही नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा तो बिकॉज देर एग्जिस्ट नो मैपिंग फंक्शन इन फुल्ली एसोसिएटिव देर एग्जिस्ट नो कन्फ्लिक्ट मिस तो फुल्ली एसोसिएटिव कैश में कोई कन्फ्लिक्ट मिस नहीं होती तो so क्या हमारा बेस्ट कैश ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली एसोसिएटिव वो हमेशा ही कम मिस देगा तो so हम एक डेटा लेके कंपेयर करते हैं कि किस कैश ऑर्गेनाइजेशन में मिस ज़्यादा होगी किस में कम होगी और क्या फुली एसोसिएटिव बेस्ट है तब हम तीनों कैश ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं एक डेटा लेके कि कौन सा यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है ओके okay? तो कंसिडर ए डीएम मतलब डायरेक्ट मैप कैश विथ फोर ब्लॉक्स इफ फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक्स आर रिक्वेस्टेड विद इन अ लुक वॉट इज मिस रेट इट्रेशन ओके और ब्लॉक्स क्या रिक्वेस्ट है जीरो वन टू थ्री फोर सबसे पहले जीरो की रिक्वेस्ट आई यहां हमारा मैपिंग फॉर्मूला क्या होता है मॉट फोर मॉट फोर क्यों क्योंकि फोर ब्लॉक्स आर देयर तो मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉट फोर जीरो मॉट फोर जीरो तो जीरो पे मिस हुआ फर्स्ट इट्रेशन में जीरो पे मिस हुआ ये मिस कौन सी कहलाएगी कंपल्सरी मिस फिर वन की रिक्वेस्ट आई वन मॉट फोर इज़ वन तो वन पे मिस हुआ कंपल्सरी मिस फिर टू पे मिस हुआ कंपल्सरी मिस थ्री कहाँ मैप होगा तो मेमोरी ब्लॉक थ्री विल मैप टू कैच ब्लॉक थ्री तो फर्स्ट इट्रेशन में अभी चल ही रहा है और ये फोर कंपल्सरी मिस हो गई अब फोर की रिक्वेस्ट आई तो फोर मॉट फोर का क्या होगा ज़ीरो तो फोर भी ब्लॉक ज़ीरो पे रिप्लेस मेप होगा और ब्लॉक जीरो पे ज़ीरो है तो जीरो विल बी रिप्लेस बाय फोर तो फर्स्ट इटरेशन में फाइव कंपल्सरी मिस अब सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हुआ ज़ीरो पे मिस क्योंकि जीरो कैश में नहीं है तो सेकेंड इटरेशन में ज़ीरो पे मिस ठीक है फिर ज़ीरो कहाँ आएगा तो वो ज़ीरो नोट फोर इज ज़ीरो तो ज़ीरो आएगा रिप्ले बाय रिप्लेसिंग फोर अब सेकेंड इट्रेशन में जो ज़ीरो की मिस हुई वो कौन सी मिस कहलाएगी तो डेफिनेटली इट इस कैपेसिटी मिस क्यों कैपेसिटी मिस क्योंकि हमारे वर्किंग सेट की साइज़ फाइव है फाइव ब्लॉक्स की है और कैश कितने ब्लॉक्स की फोर ब्लॉक्स तो वर्किंग सेट की साइज़ कैश की साइज से ज़्यादा है प्लस वो वर्किंग सेट पूरी कैश को फुल कर रहा है कोई भी ब्लॉक एम टी नहीं है तो ये मिस कौन सी मिस होगी कैपेसिटी मिस तो सेकेंड इटरेशन पे ज़ीरो पे मिस हुई कैपेसिटी मिस वन पे हिट वन ऑलरेडी कैश में है टू पे हिट ऑलरेडी कैश में है थ्री पे हिट फिर फोर पे क्या हो जाएगी मिस फिर फोर कहाँ आएगा तो फोर मॉट फोर ज़ीरो फोर विल रिप्लेस ज़ीरो तो सेकेंड इटरेशन में दो मिस हुई थर्ड इटरेशन में फिर ज़ीरो की रिक्वेस्ट है जीरो नहीं है ज़ीरो पे मिस हुआ ज़ीरो आएगा फोर को हटा के वन पे हिट टू पे हिट थ्री पे हिट फिर फोर पे मिस फिर फोर आएगा ना तो इनिशियली फर्स्ट इट्रेशन में फाइव कंपलसरी मिस और पर इट्रेशन दो मिस हो रही है बाद वाले इट्रेशन में दो मिस हो रही है जीरो पे और फोर पे तो डायरेक्ट मैप कैश में पर इट्रेशन टू मिस एक्सेप फर्स्ट इट्रेशन है ना सेट एसोसिएटिव में आते हैं कंसिडर है टू वे सेट एसोसिएटिव कैश विद फोर ब्लॉक्स इफ़ फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक्स आर रिक्वेस्टेड विद इन ए कैश वॉट इज कैश मिस क्वेश्चन है टू वे सेट एसोसिएटिव और फोर ब्लॉक्स से तो कितने सेट होंगे फोर बाय टू देर आर टू सेट सेट ज़ीरो सेट वन और हर सेट में दो लाइन्स है दो ब्लॉक्स से तो ये सेट ज़ीरो के दो ब्लॉक और ये सेट वन के दो ब्लॉक यहाँ कोई भी मेमोरी ब्लॉक किस सेट ब्लॉक में मैप होगा तो आप किससे रिमाइंडर लेते हो नंबर ऑफ सेट से नंबर ऑफ सेट कितने आपके टू तो यहाँ मॉट टू होगा ज़ीरो मॉट टू इज ज़ीरो तो मेमोरी ब्लॉक ज़ीरो सेट ज़ीरो में आया सेट ज़ीरो में दो लाइन है फर्स्ट लाइन में आ गया अब वन कहाँ जाएगा तो वन मोट टू इज वन तो वन जाएगा सेट नंबर वन में फिर टू की रिक्वेस्ट आई टू कहाँ जाएगा टू मोट टू ज़ीरो तो टू सेट नंबर जीरो के नेक्स्ट लाइन में थ्री कहाँ जाएगा थ्री मोट टू वन तो थ्री सेट नंबर वन में जाएगा अब कैश फुल हो गई कैश फुल हो गई अब फोर की रिक्वेस्ट आई ये सब मिस है फर्स्ट इटरेशन में सारी मिस कौन सी मिस कंपलसरी फोर की रिक्वेस्ट आई अगेन मिस फोर कहाँ जाएगा फोर मोट टू इज जीरो फोर सेट नंबर जीरो पे मैपो का जीरो तो फुल है फुल है तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या करोगे लिस्ट रिसेंटली यूज कौन लिस्ट रिसेंटली यूज है zero. Two तो अभी यूज किया लिस्ट रिसेंटली यूज जीरो तो जीरो की जगह फोर आ गया तो फर्स्ट एट्रेशन में फाइव कंपल्सरी मिस और आफ्टर फर्स्ट ये हमारी कैश के कंटेंट्स है अब हमारा सेकेंड एट्रेशन स्टार्ट होता है सेकेंड इटरेशन में ज़ीरो पे मिस क्योंकि जीरो नहीं है ठीक है ज़ीरो कहाँ आएगा सेट ज़ीरो में सेट ज़ीरो में किस लाइन पे आएगा फोर पे या टू पे तो सेट ज़ीरो में किस लाइन पे आएगा तो रिप्लेसमेंट के लिए ला रही हूँ फोर तो अभी रिसेंटली यूज है ना जीरो को हटा के फोर ही आया लिस्ट रिसेंटली यूज़ कौन है टू तो टू को रिप्लेस किया और ज़ीरो आ गया ठीक है तो ज़ीरो पे मिस कौन सी मिस कैपेसिटी मिस है ना ये पूरा कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं तो इट इस कैपेसिटी मिस वन पे हिट टू पे फिर मिस हो गया टू नहीं है टू कहाँ आएगा तो टू सेट नंबर ज़ीरो में आता है ज़ीरो अभी आया है तो लिस्ट रिसेंटली यूज़ कौन हो गया फोर तो फोर के प्लेस पे टू आ गया फिर थ्री पे मिस सॉरी थ्री पे फोर पे फिर मिस हो कि फोर है ही नहीं फोर कहाँ आएगा तो टू तो रिसेंटली यूज लिस रिसेंटली यूज जीरो है तो ज़ीरो के प्लेस पे फोर तो यहाँ पर इट्रेशन फर्स्ट इट्रेशन में फाइव कंपलसरी मिस और पर इट्रेशन कितनी मिस हो रही है थ्री मिस हो रही है तो डायरेक्ट मैप में कम हो रही थी पर इट्रेशन फर्स्ट फाइव कंपल्सरी मिस तो सभी में सेम होगी डायरेक्ट मैप में पर इट्रेशन दो मिस थी यहाँ पर ट्रेशन थ्री में से अब हम फुली एसोसिएटिव में आते हैं फुली एसोसिएटिव में हमने क्या पढ़ा है कोई मैपिंग फंक्शन नहीं होता है मैप करते जाओ फुल हो जाए तो एल आर यू करो और एल आर यू को सिंपल बनाने के लिए हम एक क्यू बना के रखते हैं सबसे पहले ज़ीरो आया ज़ीरो को डाल दिया ब्लॉक ज़ीरो पे फिर मेमोरी ब्लॉक वन की रिक्वेस्ट आई वन आ गया ये तो सब कंपलसरी में से फर्स्ट इट्रेशन चल रहा है टू की रिक्वेस्ट आई टू आ गया थ्री की रिक्वेस्ट आई थ्री आ गया फोर की रिक्वेस्ट आई फोर नहीं है मिस हुआ मिस हुआ है तो फोर आएगा आएगा तो हम किसको रिप्लेस करें तो एल आर यू पॉलिसी कहती है कि सबसे पहले कौन आया ज़ीरो तो ज़ीरो को रिप्लेस करके आप किसको ले आइए फोर को ले आइए तो फर्स्ट एट्रेशन की फाइव कम्पल्सरी मिस ठीक है अब सेकेंड एट्रेशन में देखते हैं सेकेंड में सबसे पहले जीरो की रिक्वेस्ट आई ज़ीरो कैश में नहीं है ज़ीरो पे क्या हो गया मिस ज़ीरो पे मिस हुआ तो ज़ीरो को लाओगे लाएंगे तो किसको रिप्लेस करें तो लिस्ट रिसेंटली यूज़ कौन है जो क्योंकि फ्रंट में वन तो वन को हटाया और ज़ीरो को लेके आए तो सेकेंड इटरेशन में जीरो पे मिस हुआ अब जीरो को लेके आए अब वन की रिक्वेस्ट आई तो वन भी क्यों में नहीं है वन पे भी मिस हो गया वन को लाना है वन को लाना है तो किसको रिप्लेस करेंगे Q के फ्रंट में कौन है टू तो टू को रिप्लेस करके वन को लेके आए ठीक फिर टू की रिक्वेस्ट आई टू पे भी क्या हो गई मिस क्योंकि टू है ही नहीं फोर जीरो वन थ्री है टू पे मिस हो गई जिसपे मिस हुई वो कैश में आता है टू कैश में आएगा टू कैश में आया तो कौन जाएगा लिस रिसेंटली यूज थ्री तो थ्री गया थ्री की जगह टू आ गया तो थ्री पे भी मिस सॉरी टू पे भी मिस और टू किस को रिप्लेस करके आया थ्री को अब थ्री की रिक्वेस्ट आई तो कैश में थ्री है क्या फोर है जीरो वन ए टू थ्री नहीं है तो थ्री पे भी मिस थ्री पे मिस तो क्यू के फ्रंट में कौन है फोर फोर जाएगा और थ्री आएगा तो फोर गया फोर के प्लस पे थ्री आया अब फिर किसकी रिक्वेस्ट आई फोर की फोर पे भी मिस क्योंकि फोर है ही नहीं फोर गया तो फोर आएगा तो कौन जाएगा ज़ीरो तो जीरो की जगह फोर तो यहाँ सेकेंड इट्रेशन में हर रिक्वेस्ट पे मिस हो रही है क्योंकि जिसकी रिक्वेस्ट आने वाली है उसी को हटा रहे हैं ना सेकंड थर्ड इट्रेशन में अब आए, जीरो की रिक्वेस्ट आएगी ज़ीरो ही नहीं तो थर्ड इट्रेशन में जीरो पे फिर क्या हो जाएगी मिस तो यहाँ हंड्रेड परसेंट पर इट्रेशन हंड्रेड परसेंट मिस है ना हर डेटा पे मिस हो रही है तो यहाँ किसका परफॉर्मेंस बेस्ड आ डायरेक्ट में और ये किसका एग्जाम्पल है कैपेसिटी मिस तो कैपेसिटी मिस के केस में वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका होता है फुली एसोसिएटिव फुली एसोसिएटिव परफॉर्म वर्स्ट जहाँ कैपेसिटी में इसका केस आएगा वहाँ उसमें हंड्रेड परसेंट मिस होगी जैसे इस एग्जाम्पल में हो रहा है तो वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका होगा एसोसिएटिव तो फुली एसोसिएटिव का एडवांटेज है कि देर इज़ नो कन्फ्लिक्ट लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि कैपेसिटी मिस केस में ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट मिस के केस में डायरेक्ट मेप फेल हो जाता है कैपेसिटी में इसका केस में फुल्ली एसोसिएटिव फेल हो जाता है तो यूजुअली हम सिस्टम्स में ना डायरेक्ट मेप यूज़ करते हैं ना फुल्ली एसोसिएटिव इनके बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सेट एसोसिएटिव वो यूज़ किया जाता है तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम करके देख रहे हैं वो हमसे टैग डायरेक्ट्री की साइज़ पूछी जाती है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे टैग डायरेक्ट्री की साइज पूछी जाती है तो व्हाट इज़ दिस टैग डायरेक्ट्री तो जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी कैश ऑर्गेनाइजेशन हो इन एनी कैश ऑर्गेनाइजेशन चाहे सेट एसोसिएटिव हो चाहे डायरेक्ट मेप हो पर लाइन क्या स्टोर होता है टैग स्टोर होता है और ये सभी लाइन का टैग मिलके क्या बनता है टैग डायरेक्टरी तो इस टैग डायरेक्टरी में बेसिकली क्या क्या स्टोर होता है तो सबसे पहले तो जो भी आपकी टैग बिट्स है इट इज द पार्ट ऑफ टैग डायरेक्टरी अदर देन टैग डायरेक्ट टैग बिट्स सम स्टेटस बिट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे भी यहाँ स्टोर होती है तो स्टेटस बिट जितनी क्वेश्चन में गिवन है उतनी आपको ऐड करनी है और कुछ भी गिवन नहीं है तो यू टू जस्ट इग्नोर कितनी स्टेटस बिट्स होंगी तो पर लाइन देर विल बी अ टैग प्लस सम स्टेटस बिट और ये सब मिलके क्या बनता है या तो टैग डायरेक्टरी कहा जाता है इसको या इट इज मेटा डेटा तो साइज ऑफ टैग डायरेक्टरी पूछी हो या साइज ऑफ मेटा डेटा पूछा हो यही आपको करना है तो हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन तो कंप्यूटर एज ए टू फिफ्टी सिक्स के बी फोर वे सेट एसोसिएटिव डेटा कैश विद ब्लॉक साइज ऑफ थर्टी टू बाइट्स द प्रोसेसर सेंड थर्टी टू एड्रेस टू कैश कंट्रोलर ईच कैश टैग डायरेक्टरी एंट्री कंटेंट्स यहाँ आपको क्लियरली मैंशन है कि हर टैग डायरेक्टरी के एंट्री में क्या होगा तो इन एडिशन टू एड्रेस टैग हम एड्रेस के कुछ भी टैग के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो एड्रेस टैग तो होगा ही प्लस टू वैलिड बिट वन मॉडिफाइड बिट एंड वन रिप्लेसमेंट बिट तो आपसे पूछा है साइज ऑफ कैश टैग डायरेक्टरी इन किलोबिट्स इज कैश की टैग डायरेक्टरी की साइज किलोबिट्स में कितनी होगी तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि टैग साइज कितनी होगी क्योंकि एक टैग डायरेक्टरी की एंट्री में टैग बिट्स वैलिड बिट मॉडिफाइड बिट और रिप्लेसमेंट बिट है तो पहले हम टैग की साइज़ निकालते हैं टैग के साइज़ निकालने के लिए वही हमारा यूजुअल जो अभी तक हम करते हैं ब्लॉक साइज़ हमारी 32 टू बाइट्स है इस टू टू दावर फाइव बाइट्स तो ऑफसेट तो कितने बिट का हो गया फाइव बिट्स का नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई तो कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज टू की पावर एटीन बाई टू टू दावर फाइव टू टू दावर थर्टीन लाइन्स लेकिन ये सेट एसोसिएटिव है लाइन्स आर फर्दर ग्रूब्ड इन टू सेट्स और हम इंडेक्स के लिए कितनी बिट यूज़ करते हैं जितने की टू की पावर अगर एस सेट्स है तो एस बिट्स आर यूज फॉर इंडेक्स तो इसलिए हमने निकाला कितने सेट्स है तो नंबर ऑफ सेट्स इज टू टू दावर थर्टीन बाई टू टू पावर टू कितने सेट्स है टू टू पावर इलेवन तो इस कैश में फाइव बिट का ऑफ सेट इलेवन बिट का इंडेक्स तो बचा टैग टैग के लिए हम क्या करते हैं फिजिकल एड्रेस जो कितना है थर्टी टू बिट का थर्टी टू में से 11 किसकी चली गई इंडेक्स की और फाइव किसकी चली गई ऑफसेट की तो बची कितनी सिक्सटीन तो सिक्सटीन बिट का टैग है तो अब हमको क्या निकालना होगा साइज ऑफ सिंगल एंट्री ऑफ़ टैग डायरेक्ट्री तो एंट्री साइज़ ऑफ टैग डायरेक्ट्री एक एंट्री की साइज़ तो टैग डायरेक्टरी की एंट्री में क्या आएगा नंबर ऑफ टैग बिट्स जो आपकी कितनी आई सिक्सटीन तो इट इज सिक्सटीन प्लस टू वैलिड बिट इट इज गिवन इन क्वेश्चन प्लस वन मॉडिफाइड बिट प्लस वन रिप्लेसमेंट बिट तो इट इज सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी बिट्स तो टैग डायरेक्टरी की एक एंट्री की साइज कितनी आई हमारी

एंट्री साइज नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश कितनी आई आपकी टू की पावर थर्टीन तो टू की पावर थर्टीन इंटू एक एंट्री ट्वेंटी बिट्स की है अब आपसे आंसर किसमें पूछा गया इन किलो बिट्स तो क्या हो जाएगा इट इस किलो बिट्स में कन्वर्ट करना है तो ट्वेंटी इंटू टू दावर थ्री इंटू टू दावर टेन बिट्स टू टू दी पावर टेन बिट्स क्या हो जाएंगी किलो बिट्स और ट्वेंटी इन टू 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 दावर थ्री इज एट ट्वेंटी इंटू एट इज वन सिक्सटी तो वन सिक्स तो साइज ऑफ टेक डायरेक्टरी कितनी आई वन सिक्सटी किलो बिट्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा क्वेश्चन सिर्फ इनके लिए देना दिस बिट्स आर नोन स्टेटस बिट्स वैलिड बिट मॉडिफाइड बिट प्लेसमेंट बिट दिस आर स्टेटस बिट इफ गिवन ट इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी अज्यूम नहीं करना है आपको हमेशा गिवन होगा हाउ मेनी स्टेटस बिट्स पर एंट्री विल बी देयर और कुछ नहीं गिवन है तो आप क्या अज्यूम करोगे कि टैग डायरेक्टरी में केवल क्या स्टोर होती है टैग बिट्स स्टोर होती है ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस किया था तो जस्ट ट्राई और फिर चेक योर सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है क्वेश्चन है ए कंप्यूटर हैज अ एट किलो बाइट डायरेक्ट मैप डेटा कैश विद ब्लॉक साइज ऑफ थर्टी टू बाइट्स द प्रोसेस एंड थर्टी टू बिट एड्रेस द कैश कंट्रोलर ईच कैश टैग एंट्री कंटेंस इन एडिशन टू एड्रेस टैग वन वैलिड बिट वन मॉडिफाइड बिट द साइज ऑफ मेटा डेटा इन बिट्स इज तो आपको क्या क्या गीवन है कि एक टैग डायरेक्ट्री के एंट्री में एड्रेस टैग मतलब जो टैग बिट्स हम निकालते हैं वो एक वैलिड बिट होती है और एक मॉडिफाइड बिट होती है और कोई भी कैश हो पर लाइन देर विल बी अ टैग तो पहले तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करेंगे कि टैग बिट कितने साइज की और कैश में कितनी लाइन्स है तो सबसे पहले तो ब्लॉक साइज कितनी हमारी थर्टी टू बाइट्स इज टू दावर फाइव तो फाइव बिट का हमारा क्या हो गया ऑफसेट अभी डायरेक्ट मैप कैश है तो कितनी लाइन्स तो नंबर ऑफ लाइन्स टू की पावर एट तो जितनी लाइन्स टू की पावर एट लाइन्स तो एट बिट का इंडेक्स डायरेक्ट मैप में हम लाइन को एड्रेस करते हैं सेट एसोसिएटिव में कितने सेट से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है तो यहाँ टूटी फॉर एट लाइन है इसलिए साइज ऑफ इंडेक्स एड बिट अब टैग साइज कितना होगा तो थर्टी टू में से थर्टीन चला गया तो कितना नाइनटीन तो नाइनटीन बिट का क्या हो गया आपका टैग ठीक है अब एक टैग डायरेक्टरी की एंट्री साइज कैसे निकालते हैं तो टैग बिट्स प्लस जो स्टेटस बिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है तो नाइनटीन बिट तो का टैग आया वन वैलिड बिट वन स्टेटस वन मॉडिफाइड बिट टोटल कितनी बिट्स है ट्वेंटी वन बिट तो एक टैग डायरेक्टरी की एंट्री ट्वेंटी वन बिट की है और इसको यहाँ पे इन्होंने टैग डायरेक्टरी के साइज़ की जगह साइज़ ऑफ मेटा डेटा बोला है तो ये मेटा डेटा मतलब वही टैग डायरेक्टरी के साइज़ आपको है तो साइज ऑफ मेटा डेटा इस ट्वेंटी वन बिट्स का है एक एंट्री और इसे कितनी एंट्रीज होंगी जितनी की लाइन से तो टू ट्री पावर एट लाइन्स आर गया तो ट्वेंटी वन इंटू टू टू फिफ्टी सिक्स बिट्स कितना आ रहा है फाइव थ्री सेवन सिक्स बिट्स तो यहाँ आपसे बिट्स में पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में किलो बिट्स में तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि किस यूनिट में आपसे पूछा गया two, three, sorry, five, three, seven, तो इट सॉरी बिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अबाउट साइज एंड नंबर ऑफ कंपेरेट्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने कंपेरेटर्स लगेंगे और कंपेरेट्स की साइज़ कितनी होगी तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाई कम्पेरेटर्स आर रिक्वायर्ड हम कहाँ कंपेरेट्स क्या करते दे आर द सर्किट्स विच परफॉर्म कम्पेरिजन तो कंपेरेट्स कहाँ लगते हैं तो हम क्या कंपेयर करते हैं टैग कंपेयर करते हैं और टैग कंपेरिजन के बाद हम डिसाइड करते हैं वेदर इट इज़ हिट और वेदर इट इज मिस तो हिट और मिस का डिसीज़न लेते हैं हम टैग कम्पेरिजन से तो कंपेरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर टैग कम्पेरिजन तो ऑबियसली व्हाट इज द साइज ऑफ कम्पेरेटर तो जितने बिट का टैग क्योंकि यू आर कंपेयरिंग टैग तो जितने बिट का टैग होगा दैट शुड बी द साइज ऑफ कम्पेरेटर टैग 16 बिट का है तो कंपेरेटर बिट का होना चाहिए इज इज द द साइज साइज ऑफ ऑफ टैग दैट तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही है कि वट इज द नंबर एंड साइज ऑफ कंपेरेटर तो साइज से हमको क्लियर होगा इक्वल टू टैग साइज तो कितने बिट का टैग है वो निकाल लेंगे तो दैट विल बी द साइज ऑफ कंपेरेटर कितने कंपेरेटर लगेंगे नंबर ऑफ कंपेरेटर तो नंबर ऑफ़ कंपेरेटर कितने लगेंगे डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा कैश ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं अगर हम डायरेक्ट मैप कैश यूज़ करते हैं सपोज है हमारी डायरेक्ट मैप कैश है फोर लाइंस की लाइन नंबर ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो वन वन और लाइन साइज टू बाइट है तो वन बिट का ऑफसेट फर्स्ट बाइट का ऑफसेट ज़ीरो सेकंड बाइट का ऑफसेट वन और ये जगह हमारे पास टू स्टोर टैग अब सपोज़ फिजिकल एड्रेस हमारा फाइव बिट का है और मेमोरी एड्रेस ज़ीरो की रिक्वेस्ट आई तो ज़ीरो कहाँ मैप होता है तो ज़ीरो तो का ऑफसेट ज़ीरो लाइन नंबर ज़ीरो ज़ीरो और टैग भी ज़ीरो ज़ीरो तो मेमोरी लोकेशन ज़ीरो का डेटा आया जीरो के साथ वन का डेटा आया और टैग कितना हो गया ज़ीरो ज़ीरो अब एट की रिक्वेस्ट आई तो एट क्या होता है ज़ीरो वन ज़ीरो 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 एट का ऑफसेट ज़ीरो लाइन नंबर जीरो ज़ीरो लाइन नंबर जीरो जीरो पे कितने टैग स्टोर है ओनली वन एट का टैग इस मेमोरी लोकेशन इस एड्रेस का टैग स्टोर टैग से मैच हो गया तो हिट अदरवाइज मिस तो डायरेक्ट मैप में पर लाइन एक टैक्स से होता है हो और आपका डेटा लाइन नंबर ज़ीरो ज़ीरो तो इसी पे जाके मैप होगा और कहीं मैप नहीं होगा और उस लाइन में एक ही टैक्स से होता है हो इसलिए एक कंपैरिजन करनी है तो नंबर ऑफ कंपैरेटर इन डायरेक्ट मैप इक्वल टू वन एक ही कंपैरेटर लगेगा अगर हमारा लाइन नंबर ज़ीरो ज़ीरो है तो इस लाइन के टैक्स से कंपेयर करेंगे अगर हमारे एड्रेस में लाइन नंबर ज़ीरो वन आता है तो हम इस लाइन के टैक्स से कंपेयर करेंगे लेकिन कंपैरिजन केवल एक ही करेंगे तो ओनली वन फॉर कंपैरिजन। अब हम यही बात करते हैं सेट एसोसिएटिव में अगर हमारा टू वे सेट एसोसिएटिव है तो हमारा डेटा लाइन पे नहीं किस पे जाके मैप होता सेट पे टू वे सेट एसोसिएटिव है कंसिस्ट ऑफ एट लाइंस ये फर्स्ट सेट की दो लाइन सेट ज़ीरो सेट वन सेट टू और सेट थ्री तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं सेट नंबर हमारा डेटा या तो इस सेट में जाएगा या इस सेट में अब एक सेट में कितने टैग स्टोर होते हैं दो यहाँ पे स्टोर टैग सपोज़ ज़ीरो जीरो यहाँ पे स्टोर टैग सपोज़ जीरो वन है और आपके डेटा का टैग ज़ीरो वन है ठीक है जिस डेटा की रिक्वेस्ट है उसका टैग भी जीरो वन है तो आपने फर्स्ट टैग से कंपेयर किया सेट नंबर जीरो के मैच नहीं हुआ फिर सेट नंबर ज़ीरो के सेकेंड टैग से कंपेयर किया मैच नहीं हुआ सॉरी मैच हो गया तो इट इज़ हिट तो आपको कितनी कंपेरिजन करनी है जितने की आपके एक सेट जितने की आपकी एक सेट में लाइन है फोर वे सेट एसोसिएटिव में एक लाइन सेट में फोर लाइन से टू वे सेट एसोसिएटिव में एक सेट में दो लाइन से तो जितनी लाइन से उतने टैक्स होंगे और जितने टैक्स होंगे हिट का डिसीजन करने के लिए उतने कम्पेरेटर लगेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इससे कंपेयर करेंगे मैच नहीं हुआ तो इससे है ना हमको फास्टर प्रोसेसिंग चाहिए तो जितना पॉसिबल पैरलिज्म हो सकता है हम उतना पॉसिबल पैर है ना उतना पैरल करते हैं तो जब हम एक कंपेरेटर से इस्टैक को कंपेयर कर रहे होंगे सेम टाइम पे सेकंड कम्पेरेटर इस को कंपेयर कर रहा होगा और दोनों में से एक भी मैच हो गया तो हिट अदरवाइज मिस तो टू वे सेट एसोसिएटिव है तो पर सेट देर आर टू टैक्स सो टू कम्पेरेटर्स आर रिक्वायर्ड फोर वे सेट एसोसिएटिव है पर सेट फोर टैक्स फोर कम्पेरेटर्स आर रिक्वायर्ड तो इसलिए एन वे सेट एसोसिएटिव है तो एन कंपेरेटर्स आर रिक्वायर्ड तो नंबर ऑफ कंपेरेटर कितने लगेंगे सेट एसोसिएटिव में इक्वल टू सेट साइज और फुल्ली एसोसिएटिव में कितने कम्पेरेटर्स तो फुल्ली एसोसिएटिव में तो एक ही सेट होता है सारी लाइन एक ही सेट को बिलोंग करती है तो जितनी हमारी लाइन्स है उतने कम्पेरेटर्स लगेंगे तो नंबर ऑफ कम्पेरेटर्स इन फुल्ली एसोसिएटिव इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं नंबर ऑफ कंपेरेटर्स इन डायरेक्ट मैप कैश वन नंबर ऑफ कंपेरेटर इन सेट एसोसिएटिव कैश इक्वल टू सेट साइज टू वे है तो दो फोर वे है तो फोर और नंबर ऑफ कंपेटर इन फुल्ली एसोसिएटिव कैश इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन में क्या है ए कंप्यूटर so है टू फिफ्टी सिक्स के बी फोर वे सेट एसोसिएटिव डेटा कैश विद ब्लॉक साइज सिक्सटीन बाइट्स। द प्रोसेसर सैंड थर्टी कैश कंट्रोलर तो वॉट इज नंबर एंड साइज ऑफ कंपेटर रिक्वायर्ड फॉर टैक कंपेरिजन आपसे नंबर और साइज़ पूछिए तो पहले तो हम साइज़ ऑफ टैग निकाल कंपेरेटर निकालते हैं और कंपेरेटर की साइज़ कितनी बड़ी होगी जितनी की टैग साइज़ है तो फिर वही हमने किया कि लाइन साइज़ टू की पावर फोर बाइट तो फोर बिट का ऑफसेट फिर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है टू टू दि पावर फोर्टीन लेकिन सेट एसोसिएटिव है तो हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ सेट्स कितने सेट्स आ रहे हैं टू टू पावर ट तो फोर बिट ऑफसेट सेट ट्वेल्व बिट का इंडेक्स तो थर्टी टू में से 16 चला गया तो बचा कितना बिट बिट तो साइज है और बिकॉज साइज 16 बिट साइज ऑफ कंपेरेटर इज ऑल्सो सिक्सटीन बिट तो यहाँ सिक्सटीन बिट का कंपेरेटर लगेगा और फोर वे सेट एसोसिएटिव कैश है दे फोर कंपेरेटर्स आर रिक्वायर्ड तो साइज ऑफ 16 बिट एंड नंबर ऑफ कम्पेरेटर इज़ फोर